क्या हुआ? कंसोल केबल बेसिकली मतलब इसके लिए मैं अभी आपको दिखा दूंगा इसकी कंसोल केबल दिखाऊंगा मैं, रियल राउटर पे भी आपको एक बार थोड़ा सा बता दूंगा कि कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब उससे लगाते कैसे, अगर आपके पास रियल राउटर है तो उससे आप कैसे कनेक्ट करोगे एग्जैक्टली, ये भी हम उसमें देखेंगे। तो देखिए हमारे पास अभी पैकेट ट्रेसर है, पैकेट ट्रेसर के थ्रू हम क्या करते हैं इसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे कैसे आप इसे यूज़ करोगे ये भी इसमें हम देख लेंगे। अभी कहाँ गया हमारा पैकेट ट्रेसर, बंद कर दिया था कि मैंने? किधर पैकेट ट्रेसर की बात कर रहा था, मुझे लगता है मैंने बंद कर दिया, ऐसे कुछ लग रहा है मुझे। चलो कोई नहीं, तो हमें पैकेट ट्रेसर स्टार्ट करना है यहाँ से। अच्छा वो मैंने इस ध्यान दिया ना, मैंने सुन बनाया था वो। तो हमें यहाँ से क्या करना है, एक पर्टिकुलर राउटर लेना है और एक पर्टिकुलर पीसी आपको लगाना है। तो फिलहाल हमें एक राउटर एक पीसी की ज़रूरत है, इनके बीच में अगर मुझे कुछ नहीं पता तो मैं इसमें से ये केबल लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन बन जाएगा, यहाँ से लिया यहाँ तक, तो ये कनेक्शन बन के आपका तैयार हो गया। तो एक राउटर एक पीसी लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्रॉस ओवर केबल चाहिए। साथ ही साथ अगर हम रियल राउटर्स पे काम करें तो बिना कंसोल केबल के आप राउटर को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, तो आपको कंसोल केबल लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम जस्ट अब पैकेट ट्रेसर पर एक सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कंसोल केबल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना उसके आप उसका पूरा कंसोल क्या कर सकते हो, कंसोल का मतलब क्या होता है कि राउटर का ओएस जो आईओएस है वो आप उसको ऑन करने के लिए या उसके अंदर काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक सॉफ्टवेयर और चाहिए, उसे बोलते हैं हाइपर टर्मिनल। तो आपको अपने मेन सिस्टम पर इट मींस पीसी पर या अपने सिस्टम पर या अपने लैपटॉप पर आपको वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन कंसोल केबल लगाओगे, देन आप उसको स्टार्ट करोगे और पूरा का पूरा राउटर का पूरा कंसोल आपके पर्टिकुलर लैपटॉप या पीसी पर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ भी काम नहीं करना, बस सीधा इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके सीएलआई मोड पे आना, पूरा का पूरा कंसोल आपके हाथ में, ठीक है। अब इसमें हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको दिखा रहा है कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ रहा है, ऊपर पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा रहा है, आपके पास प्रोसेसर क्या है, सिस्को का कौन सी सीरीज का आपका राउटर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, प्रोसेसर क्या है आपका, रैम कितनी है, ये सारा का सारा, प्रोसेसर का बोर्ड नंबर क्या है, प्रोसेसर का मोटोरोला का ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। X11 सॉफ्टवेयर का वर्जन आपका दिखा रहा है, दो फास्ट इथरनेट पोर्ट आपको इसमें दिखा रहा है, 32 KB की आपकी नॉन वोलेटाइल NVMe रैम दिखा रहा है आपका, और ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर फ्लैश भी दिखा रहा है आपका, ठीक है। इतने पर्टिकुलर MB की आपकी फ्लैश है, तो इतना पर्टिकुलर KB को MB में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसमें अभी कुछ कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो, मैंने कहा नहीं मुझे अंदर जाके कॉन्फ़िगर करना, अभी यहाँ बाहर से कुछ भी मुझे कॉन्फ़िगर नहीं करना, इसलिए आप इसमें क्या कर दोगे, नो कर दोगे, देन यू विल प्रेस नो। देन सबसे पहले हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आता है और राउटर का नाम बाई डिफॉल्ट क्या आता है, राउटर। तो अगर मुझे अपने राउटर का नाम चेंज करना है तो मुझे कम से कम कुछ मोड पता होने चाहिए, अगर मैं राउटर का नाम यहीं पर चेंज करना चाहूँगा तो यहाँ से चेंज नहीं होगा। यहाँ पर क्या क्या कमांड है आप इसमें टाइप कर सकते हो, आपने क्वेश्चन मार्क टाइप किया, यू विल फाइंड ऑल द कमांड दैट कैन बी एग्जीक्यूट ऑन दिस मोड। तो आप इस पर्टिकुलर मोड पे क्या क्या एग्जीक्यूट कर सकते हो, जितनी भी एग्जीक्यूटेबल कमांड्स हैं आपके सामने दिख गया, कनेक्ट, डिसेबल, डिसकनेक्ट, इनेबल, एग्जिट, लॉग आउट, पेइंग, रिज्यूम, शो, SSH, टेलनेट, टर्मिनल एंड ट्रेसरू। इन कमांड के अलावा कोई भी कमांड इस पर्टिकुलर टर्मिनल पर नहीं चलेगी। तो अलग अलग मोड की अलग अलग कमांड्स होती हैं जो आप एक पर्टिकुलर राउटर पर चला सकते हो, ठीक है। हर कमांड को हर मोड पर हम रन नहीं कर सकते, तो अलग अलग प्रिविलेज होता है। तो यूज़र मोड पर मुझे काम करने के कुछ लिमिटेड प्रिविलेज होते हैं, जैसे कि सपोज मैं किसी को कनेक्ट कर सकता हूँ, डिसकनेक्ट कर सकता हूँ, डिसेबल कर सकता हूँ, इनेबल कर सकता हूँ, लॉग आउट कर सकता हूँ, किसी से कनेक्टिविटी चेक कर सकता हूँ, किसी का टेलनेट ले सकता हूँ, किसी को ट्रेस रूट कर सकता हूँ इन दिस मोड, बट किसी को कन्फिगर नहीं कर सकता, क्योंकि कन्फिगर से रिलेटेड इसमें कोई भी कमांड आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। इतना क्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टाइप इनेबल कमांड,
आप चाहो तो, अगर आपको नहीं है तो यहाँ से कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, ऐसे भी कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। बट आप ई लिखोगे और आपने टैब प्रेस किया तो कुछ नहीं दिखाया, क्वेश्चन मार्क प्रेस करोगे, ई प्रेस करके मुझे पता है कि ई से रिलेटेड कोई कमांड है एग्जैक्टली, तो आपने ई प्रेस किया, देन गिव इन फाइल ई रिलेटेड कमांड्स, तो वी हैव ओनली टू कमांड्स दैट स्टार्ट विद ई, तो ई से या तो आप इनेबल कर सकते हो या आप एग्जिट कर सकते हो। तो सपोज मुझे क्या करना था, इनेबल करना है, तो मैंने इनेबल करके टैब प्रेस किया, इनेबल करके जैसे ही आपने टैब प्रेस किया आपको वो कमांड पूरी कंप्लीट होगी। अब नहीं मुझे पता इसके आगे क्या चलेगा, मैंने फिर क्वेश्चन मार्क टाइप कर दिया, तो मुझे बता रहा है कि आप इनेबल कमांड करके सीआर करके वापस आ सकते हो, इनेबल चीज़ें कर सकते हो। तो आप इनेबल करके सीआर का मतलब क्या होता है, कैरियर्स रिटर्न, ठीक है ना, सीआर होता है आपका, तो आप इसे बाहर जा सकते हो, बस आप इसे वापस जाइए, बस इतनी कमांड चलेगी इसमें आपका, और कोई इससे रिलेटेड कोई कमांड नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसमें किया, अब मुझे यहाँ पर भी नहीं पता, तो इस पर्टिकुलर जब हम इनेबल लिखेंगे तो हम कहाँ पर आ गए, वी विल रीच ऑन प्रिविलेज मोड, तो व्हेन वी स्टार्ट विद हैश साइन, द प्रॉम्प्ट स्टार्ट विद हैश साइन, इट्स कॉल्ड प्रिविलेज मोड। तो ये आपका है प्रिविलेज मोड, जिसमें आपका हैश का साइन होगा, आपके राउटर का नाम होगा, आपको पता चल जाएगा। देन जब आपको इसमें क्या करना है, एक कमांड टाइप करनी है, क्या कमांड टाइप करनी है आई डोंट नो, व्हेन वी टाइप क्वेश्चन मार्क, ये सारी कमांड के बारे में आपको बता देगा कि क्या क्या कमांड्स हैं जो आपके इस पर्टिकुलर मोड पर चल सकती है। यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से लेकर के आप इसमें एंटर प्रेस करते जाओगे, आपको ऑल कमांड्स के बारे में दिखा देगा। तो अब मुझे इसे कॉन्फ़िगर करना है, तो प्रिविलेज मोड से कॉन्फ़िगरेशन मोड में, या से बोलते हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल, हाँ कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल। मुझे नहीं पता कि ओनली क्या कमांड है, सी ओ मुझे पता है सी से रिलेटेड है कुछ, तो मैंने सी के बाद कुछ समय टाइप कर दिया, तो सी के बाद आपको क्लियर, क्लॉक, कॉन्फ़िगर, कनेक्ट, कॉपी, तो कौन सी कमांड आप इसमें टाइप करना चाहते हो, तो कौन किया, अब कौन से लेटर होता है, तो एन किया। अब मैंने टैप प्रेस किया, अब देखिए अपने आप ले लिया, नहीं लिया अभी उसने, कौन किया, अब देखिए टैप प्रेस किया, अपने आप ले लिया, तो कौन से रिलेटेड भी इसमें हो सकता है कि कुछ और कमांड हो, तो इस तरह से आप इसमें यूज करो कॉन्फ़िगर। अब इसमें क्या चलेगा, मैंने फिर क्वेश्चन मार्क टाइप किया, अब देखो सीआर आ गया और टर्मिनल, अगर आपने एंटर कर दिया तो टर्मिनल अपने आप लिखेगा, ये अगर मैंने क्या किया एंटर कर दिया तो टर्मिनल क्या कर देगा, अपने आप लिख देगा, क्यों, टर्मिनल के अलावा कोई और कमांड ही नहीं इसमें, अगर दो कमांड होते तो अपने आप नहीं लिखेगा, बताना पड़ेगा आपको सही भाई क्या कमांड इसमें टाइप करना चाहिए। कह रहा कि कन्फिगर तो मैं कर दूंगा, फ्रॉम टर्मिनल मेमोरी और नेटवर्क, कह रहा कि टर्मिनल कमांड होती है आपको, इसमें क्या करना पड़ेगा, नितिश का नंबर है, कौन नितिश, आरएससीएस एग्जाम का क्वेश्चन जो कर रहा है, नहीं उसके पास होगा, देवा के पास, देवा क्योंकि वो जाते जैसे हो सकता है, मैं भी हो सकता है क्योंकि मैंने उसका नंबर कभी लिया नहीं, बट देवा के पास मैं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही आपने इसमें क्या किया एंटर किया, आप इसके अंदर आ गए, ठीक है जी। अब आपको कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया, आप इसके अंदर आ गए, तो लिखा हुआ है एंड विद कंट्रोल जेड, अगर मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा तो इस पर्टिकुलर से आप बाहर आ जाओगे, या ओनली एंड कमांड करोगे तो भी बाहर आ जाओगे, एग्जिट करोगे तो भी बाहर आ जाओगे। तो पहला काम किया कि हमने टर्मिनल के अंदर जाना सीख लिया, बस इतना सफिशियंट है सबसे स्टार्टिंग में, कि हमें सबसे पहले तो देखिए बच्चे क्या होता है, पूरा कोर्स कर लेते हैं और बाद में उन्हें ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सी कमांड किस टर्मिनल पर चलेगी, वो भूल जाते हैं, कहीं किसी कमांड को किसी में चला देते हैं, किसी कमांड को किसी में चला देते हो, तो चलते नहीं, सर इसमें कमांड नहीं चल रही, वो देखते नहीं एग्जैक्टली मैं काम कहाँ पर कर रहा हूँ, और यहाँ पर चलाते हैं जैसे कि सपोज यहाँ पे वो सीधा सीधा दे देंगे आईपी एड्रेस और कुछ भी देना स्टार्ट कर दे, 2.2.2.2 देन 255.255.255.0 और एंटर कर दिया कि सर ये चल नहीं रही है। अरे कम से कम ये तो देखो, आप कॉन्फ़िग में कॉन्फ़िगर थोड़ी कर सकते हो आईपी एड्रेस, किसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना होता है आईपी, और वो सीधा बस यही चलाते रहते हैं, तो ये गलत है। तो आपको देखिए नीचे तुरंत उसने बताया कि ये आपकी रॉन्ग कमांड है, डिटेक्टेड, अगर आप कुछ भी इसमें गलत करोगे आपको तुरंत एक इंडिकेशन देगा, एक मार्क दे देगा कि ये चीज़ आपकी गलत है। दूसरी चीज़ हमारी तो खैर कमांड में गलती है, तो देखिए पहले तो हम इसको सही कर लेते हैं, क्योंकि हमारी अभी फिलहाल कमांड में गलती है,
टर्मिनल में गलती नहीं देखी। अब हम जब इसने कमांड हमने टाइप कर दिया तो फिर भी उसने कुछ एक मार्क दिया, तो आईपी एड्रेस, तो देखिए अब की बार मार्क कहाँ पे आ गया, दिख रहा है आपका ये मार्क, ये देखिए ये कुछ आपका जो दिख रहा है यहाँ पे गलती है, ये कुछ दिख रहा है आपका, देखिए ये पूरा इस तरह से आपको पूरा बताएगा क्योंकि कमांड इसमें आपकी नहीं चलेगी तो इनवैलिड आपको बता देगा। तो अब सपोज देखिए मुझे इसमें होस्ट नेम देना है, मतलब मुझे इसी राउटर का नाम चेंज करना है पहला काम, तो इसमें होस्ट नेम कमांड आपको टाइप करनी पड़ेगी। तो पहला क्या है, हम होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं, एच ओ किया टैप प्रेस कर दिया, होस्ट नेम ले गया, क्या देना चाहता हूँ, मैंने इसका नाम दे दिया आगरा, ए जी आर ए, आई बिलोंग टू आगरा, देन मैंने आगरा, सपोज ये आपका राउटर रखा आगरा में, एक राउटर रखा दिल्ली में, तो आगरा का नाम डाल सकते हो, दिल्ली का नाम डाल सकते हो, जो भी है आप अपना नाम डालना चाहो या किसी भी पर्टिकुलर, जिस तरह से भी आपको अपने राउटर को होस्टिंग करनी है आप उसकी होस्टिंग कर सकते हो। तो ये तो रहा आपका होस्ट नेम, अगर मुझे होस्ट नेम हटाना है तो जब कोई चीज़ मुझे हटानी है मुझे तो बस जो पहले था वही रखना है, तो नो होस्ट नेम कर दोगे तो आपका जो ओरिजिनल नेम था वही आ जाएगा। जब भी आपको होस्ट नेम डालना है तो होस्ट नेम कमांड टाइप करोगे, जब कुछ भी राउटर में कुछ भी हटाना होता है जो कमांड होती है उसके आगे नो लगा दो, कुछ भी आगे हम सारी चीज, अगर आई पी एड्रेस हटाना है तो नो आई पी एड्रेस कर दो, पासवर्ड हटाना है नो पासवर्ड कर दो, हर किसी के आगे नो कंसेप्ट लगा करके आप उसके आगे जो कमांड चलाओगे उसी से रिलेटेड वो टास्क आपका एग्जीक्यूट कर देगा। या तो कोई डाउट, तो मैंने इसमें होस्ट नेम दिया जो भी आप देना चाहते हो होस्ट नेम, मैंने कहा राउटर वन, तो अब आपका जो राउटर का नेम है वो आपका चेंज हो जाएगा, राउटर वन आ जाएगा आपका। इस तरह से पहला कंसेप्ट में देखा कि होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं। अब मुझे इस मोड से बाहर आना है, तो किसी भी मोड से बाहर कैसे आते हैं, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया एग्जिट और यहाँ भी लिख दिया एग्जिट, तो मैं क्या हो गया अपने मोड से बाहर आ गया। अब इससे एग्जिट करोगे तो यहाँ से बाहर कहाँ जाओगे, ये तो आपका लास्ट है ना आपका, जैसे आप एंटर करोगे तो इससे बाहर नहीं, क्योंकि सबसे पहला मोड कौन सा होता है, यूजर मोड। यूजर मोड पे हम क्या लिखते हैं, अगर मैं शॉर्ट में कमांड चला दूंगा तो शॉर्ट में एक्सेप्ट करता है, ये शॉर्ट में भी चलती कमांड इसमें आपकी इनेबल, मैंने लिखा सी ओ एन एन एफ कॉन फिश पे टी, वो भी लेगा, तो सबसे पहले तो टर्मिनल, तो ये शॉर्ट में भी कमांड, क्योंकि मैंने टी का मतलब क्या है, अगर टी हमने नहीं भी लिखा था तो उसने अपने आप लिया था, तो मैं टी, क्योंकि टी से रिलेटेड मतलब एक सिंगल टी से क्यों लिया, क्योंकि उसके बाद कोई कमांड ही नहीं उसमें आपकी, एक सिंगल कमांड है उसके अंदर, इसलिए वो उसने वो ले लिया। तो अब हम देखते हैं कि इस पर पासवर्ड कैसे अप्लाई करोगे, हमारा राउटर पर भी कोई पासवर्ड नहीं है, अगर कोई घुसना चाहेगा तो उसमें तुरंत घुस जाएगा उसके अंदर, तो मैं सबसे पहले अप्लाई करता हूँ पासवर्ड, तो हमने इसमें दिया इनेबल पासवर्ड, जो भी आपको देना है सी सी एन ए दे दिया, तो सर अब पासवर्ड जो होगा वो सी सी एन ए, हाँ वो अप्लाई हो गया। अब मैं कंट्रोल जेड करके बाहर आ गया, और इसमें सेव करने के लिए कमांड होती है राइट, जो मैंने पासवर्ड अप्लाई किया वो पासवर्ड इसमें सेव हो जाए, जिससे कि जब भी मैं सिस्टम को रिस्टार्ट करूँ या बंद करूँ फिर बाद में चालू करूँ तो मेरा इसमें यूज हो जाए आपका, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हो, ये आपने राइट कर दिया। अब मुझे सिर्फ देखना है कि मेरा पासवर्ड मैंने अप्लाई किया था वो इसमें है या नहीं। तो दो प्रकार की इसकी कॉन्फिगरेशन होती है, एक होती है रनिंग कॉन्फिगरेशन, एक होती है स्टार्टअप कॉन्फिगरेशन। तो जो कुछ भी डेटाबेस आपके रैम में चल रहा है, रैम में सेव हो रहा है, वो सब कुछ रनिंग कॉन्फिगरेशन के अंदर चल रहा है। जब आप उसे एनवी रैम के अंदर सेव कर देते हो, इट मीन्स एनवी रैम जस्ट लाइक इसकी हार्ड डिस्क, जब उसका डेटाबेस हार्ड डिस्क में सेव करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका इनेबल पासवर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। आप इसमें एंटर करते रहोगे तो नीचे की और सेटिंग भी दिखा देगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये किया, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, स्टार्टअप कॉन्फिग करता हूँ, स्टार्टअप कॉन्फिग, ठीक है, तो आपको दिखा रहा है सी सी एन ए। क्यों मैंने इसमें सेव कर दिया था, क्योंकि जब मैंने इसे सेव किया था तो देखिए स्टार्टअप कॉन्फिग में भी दिखा रहा है कि आपका पासवर्ड इसमें सेव हो गया है। तो रनिंग कॉन्फिग का मतलब क्या होता है कि रनिंग डेटाबेस, अगर जब तक उसमें सेव नहीं करोगे जब तक वो डेटाबेस यहाँ पर नहीं आएगा, जैसे ही राइट कमांड चला दोगे वो डेटाबेस आपके स्टार्टअप कॉन्फिग पर्टिकुलर कमांड में पहुंच जाएगा, या स्टार्टअप कॉन्फिग जो फाइल है उसके अंदर पहुंच जाएगा। दो कंसेप्ट क्लियर। अब हम इसको एग्जिट करके बाहर करके देख लेते हैं, मैं इस पर्टिकुलर मोड से बाहर आ गया, ठीक है। अब मुझे इसमें देखना है तो मुझे पहले इन्हें भी लिखना पड़ेगा, तो तुरंत पासवर्ड मांग लिया उसने, जैसे ही आपने, तो ये जो पासवर्ड लगता है बिटवीन प्रिविलेज एंड यूजर मोड लगता है,
when we come type enable command, it will reach on privilege mode. If you have password, then type the password, then it will, you will reach on privilege mode. ठीक है, जैसे ही आपने इसमें क्या किया, CCNA टाइप किया, आप पहुंच गए अपने प्रिविलेज मोड में. अब मुझे इस पासवर्ड को हटाना है. फॉर जो भी आपका रीजन है, अगर आपको पासवर्ड आपको हटाना है तो कैसे हटाओगे? तो कॉन्फिग स्पेस टी, तो आप डालोगे नो पासवर्ड इनेबल. मैंने क्या बताया, किसी भी चीज के आगे बस नो लगाना है. नो इनेबल पासवर्ड. इनेबल पासवर्ड का मैंने पासवर्ड का नाम दिया था, आपको यहाँ नाम देने की जरूरत नहीं है, नंबर नहीं देना आपको उसमें. देन ठीक है, नो इनेबल पासवर्ड आप इसमें देखोगे, एग्जिट करोगे, देन आपने इनेबल किया, कोई भी पासवर्ड आपसे नहीं मांगा उसमें. क्लियर? बट ये पासवर्ड तो दिख रहा था सबको, कोई आकर के मेरे प्रिविलेज मोड में देख भी तो सकता है. तो मैंने कहा सो रन, सो रनिंग पासवर्ड है कहीं? नहीं है. मैंने कहा सो स्टार्टअप, अब मैं स्टार्टअप में देख लूँ क्या है. अब पासवर्ड मैंने हटा दिया, तो हट गया आपका पासवर्ड. तो अब मैं लगाता हूँ सीक्रेट पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड सबको दिख जाएगा. सो करके मैंने देखा दिख सकता है, तो इसमें हम अप्लाई करते हैं सीक्रेट पासवर्ड. इनेबल सीक्रेट CCNP, मैंने ये दे दिया आपकी बार CCNP दिया मुझे यहाँ दिख रहा है अप्लाई करते समय, बट जब मैं उसे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में चेक करूँगा तो आपको वहाँ पर नहीं दिखना चाहिए एग्जैक्टली. तो मैंने इसमें क्या किया, इसे सेव कर दिया. देखिए सपोज अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, सो रन दिख रहा है आपको. ठीक है जी, मैंने क्या कहा सो स्टार्टअप दिखेगा क्या अभी? नहीं. STRT स्टार्टअप नहीं, नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी आपने इसे सेव नहीं किया. जैसे यू विल टाइप राइट कमांड, इट विल रीच, इट विल कॉपी इन स्टार्टअप कॉन्फिग. तो आपका वहां से डेटाबेस कॉपी होकर के आपका यहाँ पे आ जाएगा. या एक कमांड और चला सकते हो, कॉपी रनिंग कॉन्फिग स्टार्टअप कॉन्फिग, बोथ आर द सेम कमांड्स. राइट लिखो, ऐसे लिखो, डेस्टिनेशन एंटर, बिल्डिंग कॉन्फिगरेशन आ गया आपका. कैसे भी लिख सकते हो. तो मैंने रनिंग कॉन्फिगरेशन को कहाँ पर सेव कर दिया, स्टार्टअप कॉन्फिग के अंदर. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फिगरेशन फाइल, फर्स्ट वन इज रनिंग कॉन्फिगरेशन फाइल एंड सेकंड वन इज स्टार्टअप कॉन्फिगरेशन फाइल. स्टार्टअप कॉन्फिगरेशन विल सेव इन अ NV रैम एंड रनिंग कॉन्फिगरेशन सेव इन अ रैम. तो NV रैम जस्ट लाइक अ हार्ड डिस्क, जैसे कि हम MS वर्ड पे काम कर रहा हूँ, रनिंग कॉन्फिगरेशन में काम कर रहा हूँ, जब मैं सेव कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क में पहुंच जाता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स में डालो चाहे कहीं भी डालो, वो हार्ड डिस्क में डेटाबेस में रहता है. सेम यहाँ पर भी चांस चलता है, क्योंकि उसका भी अपना एक OS है आपका, बड़ी कमांड लाइन OS है आपका, बहुत छोटा OS है आपका, कुछ MB में आपका सेव हो जाता है आपका. ठीक है, तो पहले हमने देखा कि सिंपल पासवर्ड कैसे लगाते हैं, दूसरा हम देखा कि सीक्रेट पासवर्ड, तीसरा पासवर्ड हम लगाने वाले कंसोल पासवर्ड. कंसोल का मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिविलेज मोड में भी ना पहुँच पाऊँ, प्रिविलेज मोड से पहले ही मैं उसको रोक दूँ. वरना तो क्या कर सकता है, कोई कुछ कमांड तो यूज़ कर सकता है, जो 10-12 कमांड हमने देखी थी उनको यूज़ कर सकता है, कोई करंट कर सकता है, ट्रेस रूट करने की कोशिश कर सकता है, पिंग करने की कोशिश कर सकता है, मैं तो उसे बाहर रोक दूंगा. मैंने कहा गेट के अंदर नहीं आने देना किसी को, गेट से बाहर रखो सबको. तो गेट से बाहर का मतलब उस कंसोल केबल के अंदर नहीं घुसोगे आप, कंसोल केबल पे पासवर्ड लगा दो, क्योंकि कॉन्फिगर कहाँ से करोगे आप, कंसोल केबल से. तो कंसोल पोर्ट पर ही पासवर्ड लगा दो, भैया जिसे कंसोल का पासवर्ड पता होगा वही कंसोल ले सकता है, जिसे यूजर मेन एडमिन पता होगा वही घुस सकता है मेरे घर के अंदर, नहीं नहीं घुस सकता आपका. चलो CONF कॉन्फिग स्पेस टी, तो लाइन कंसोल जीरो, लाइन कंसोल जीरो. तो आप किस पर्टिकुलर मोड में आ गया, आप कंसोल मोड में आ गया. तो देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया लाइन मोड, तो दीज आर द लाइन्स, कंसोल लाइन्स, VTY लाइन्स, टेलनेट लाइन्स. तो ये लाइंस होती है, लाइंस का मतलब उस पर्टिकुलर टर्मिनल को जो कंसोल है, कंसोल के लाइन बोला गया यहाँ पे आपका. मैं इसमें दिया पासवर्ड जो भी आपको देना है, CISCO सिस्को दिया पासवर्ड.
और लॉगिन कर दीजिए आप इसमें, लॉगिन की परमिशन दे दीजिए इसमें, तो लॉगिन वो कर पाएगा सर लॉगिन की, ठीक है ना। लॉग इन, देन कंट्रोल जेड कर दीजिए, राइट कर दीजिए इसको, शो रन करके देखिए, आप चाहो तो अपना इसमें देख सकते हो, यहाँ कंसोल का नीचे दिखा रहा होगा, ये देखो जी। आ गया ना कंसोल जीरो, पासवर्ड कैश इसको, बट ये पासवर्ड आपको दिख रहा है, इसको भी हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं, बट वो हम बाद में करेंगे उसको। तो सर ऐसे भी सीक्रेट पासवर्ड से वैसे कर सकते हैं? हाँ, इसमें सीक्रेट पासवर्ड कुछ नहीं होता आपका, इसमें कंसोल पासवर्ड को हम जो है उसी को हम क्या कर सकते हैं, एनक्रिप्ट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, हम किसी पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, दिखेगा नहीं, सिंपल पासवर्ड को भी हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं, दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक है। एग्जिट करके आप बाहर आ जाइए। अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पर कुछ पासवर्ड दिया गलत तो आपको नहीं एंटर करने देगा, फिर वापस कर रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। जैसे ही आप प्रेस करोगे कोई बटन, आपने कोई बटन प्रेस किया, आपको इसमें पासवर्ड टाइप करना ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको इसमें पासवर्ड क्या दिया था, सिस्को, CISCO सिस्को, इनक्रिप्ट कर, ठीक है ना। इनेबल किया, यहाँ पर मैंने क्या दिया था, CCNP दिया था, तो ये मेरे पास दो पासवर्ड, तो दो तरह से मैंने क्या किया, ताला लगा दिया, एक कि आप कंसोल से आपको मैं बाहर रोक दिया, एक कंसोल के अंदर जब जाओगे तो फिर आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, दो पासवर्ड हो गए। अब इनको हटाते कैसे हैं ये देख लेते हैं। CONF कॉन्फ स्पेस टी, आपने इसमें किया पहले नो इनेबल सीक्रेट, पहला काम नहीं पासवर्ड नहीं लिखोगे, बस सीक्रेट तक, पहला तो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड हट गया आपका। मैंने कहा लाइन कंसोल, आपको इसमें कंसोल के अंदर जाना पड़ेगा, ये हटाना है तो कंसोल के अंदर जाओगे। मैंने कहा नो पासवर्ड, हट गया। मैंने कहा नो लॉगिन, नो लॉगिन करने को भी क्या कर दो, नो लॉगिन कर दो, क्योंकि लॉगिन ना कर पाओ, लॉग इन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो नो लॉगिन ही होता है आपका, या लॉगिन होगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा एग्जैक्टली। ये हो गया आपका सेफ, देन राइट कर दीजिए इसको आप, देन आपको फिर क्या करना है, एग्जिट करके आप बाहर चलिए। आगे कोई पासवर्ड मांगा उसने, कहीं पासवर्ड नहीं, सब पासवर्ड आपके हट गए। अभी हमने क्या देखा, हाउ टू अप्लाई कंसोल पासवर्ड, हाउ टू अप्लाई सीक्रेट पासवर्ड, हाउ टू अप्लाई इनेबल पासवर्ड, ठीक है, ये सारा का सारा काम कंप्लीट हो गया आपका। देन अब इसमें एक पासवर्ड अच्छा आपका टेलनेट, तो टेलनेट पासवर्ड आप जब यूज़ कर सकते हो जब आपके पास कम से कम दो राउटर होंगे, बट मैं अप्लाई करना आपको बता देता हूँ अभी, तो आगे इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो हाउ टू अप्लाई टेलनेट कॉन्फ स्पेस टी, ठीक है, इसको अभी आप प्रैक्टिस करके अभी देख लेना, ठीक है ना, सारा काम। तो आपने लिखा लाइन VTY टेलनेट को हम वर्चुअल टेलीटाइप बोल देते हैं, ये भी टेलीटाइप होता है आपका, जैसे वहाँ पे TTP क्या होता है, टेलीटाइप होता है आपका, तो वर्चुअली टेलीटाइप होता है, ठीक है ना। वर्चुअल टर्मिनल टाइप बोलो या वर्चुअल टेलीटाइप बोलो, इस तरह से मैंने इसमें देखा है कि एग्जैक्टली आपको ये मिलेगा। देन कितने टर्मिनल आप इसमें ओपन कर सकते हो, मतलब एक ही पर्टिकुलर टाइम पे मेरे राउटर को कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं एक ही पर्टिकुलर टाइम पर, तो ओनली 0 से लेकर के 15 में 16 हो गए टोटल आपको, ठीक है। मैंने कहा 0, मैंने कहा 0 से लेकर 1, मैंने कहा दो बंदे ही मुझे एक्सेस कर पाए, दो बंदों के अलावा तीसरा बंदा मुझे एक्सेस नहीं कर पाएगा। देन मैंने दिया इसमें पासवर्ड, पासवर्ड दिया मैंने CCNA, देन आपने लॉग इन करने की परमिशन दे दी इसमें। मैं आगे आपको बताऊंगा टेलनेट को भी थोड़ा सा हम और भी चीज़ें यूज कर सकते हैं टेलनेट को अलग तरह से, बट फिलहाल मैंने इतना किया इसमें। यूजर ने पासवर्ड से भी इसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, तो उसमें हमने देखा राइट कर दिया, और मैंने इसमें क्या किया, राइट करने के बाद शो रनिंग किया। अगर मैं रन भी लिख दूंगा शॉर्ट में तो भी चल जाएगा आपका, ध्यान रखना। देखिए जी VTY देखिए आपका, यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट लॉगिन तो होता है आपका, बट इसमें कोई पासवर्ड सेट नहीं होता, क्योंकि लॉगिन, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर PC में सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है आप कोई पासवर्ड मन दीजिए। अच्छा, तो रिमोटली लॉगिन नहीं कर सकता जब तक आप रिमोटली, हाँ लोकली कोई भी कर लेगा आपका, इससे आपका घर का ताला खुला हुआ है, कोई बाहर से अगर देखना चाहे तो क्या हो जाएगा आपका, बट लोकली तो कोई भी आ जाएगा ना आपका, वही सेम कंसेप्ट आपका, ठीक है। रिमोटली कोई आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता, अगर पासवर्ड लगाया तो, अगर उसे पासवर्ड पता चलेगा तो एक्सेस कर लेगा एक बार को, अगर पासवर्ड ही नहीं है आपके सिस्टम पर तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। देखा कभी आपने ऐसा? नहीं। आप दो सिस्टम लेना और एक पर पासवर्ड रखना, एक पर पासवर्ड मत रखना,
आप जिस पे पासवर्ड नहीं उसको एक्सेस करना, आप कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे उसको, किसी भी कंडीशन में एक्सेस होगा ही नहीं आपका विदाउट क्रेडेंशियल। नेटवर्क में कोई चीज़ अलाउ ही नहीं करता आपका, ठीक है ना, वही सेम कंसेप्ट आपका चलेगा। चलिए देखिए, ये पूरा कंसेप्ट आपका बस ओनली पासवर्ड वाला कंसेप्ट पूरा हो गया आपका, ठीक है जी। सर इसमें जैसे आपने उसमें दिखाया था लिनक्स में जो आपने कमांड चला रखी थी, ये पूरा आपने जैसे लाइन वाइज दिखा रखा था, तो इसमें भी ऐसा कुछ आता है कि जितनी कमांड सभी मैंने सीखी है वो सारा।